हेलो एंड वेलकम, मैं हूं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। मेरे आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बहुत ही स्पेशल स्टार्टर डिश। इसका नाम है चिकन बटरफ्लाई और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसे अफ्तार में इंजॉय किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं कि मुझे इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने लिया है बोनलेस चिकन 250 ग्राम और इसके छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं, आधे आधे इंच के पीसेस करवाए हैं मैंने, और इसे मैं कुछ मसालों से मैरिनेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी 1.5 चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक स्वादानुसार, काला नमक 2-3 चुटकी, इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम डाला है, नींबू का रस 1 नींबू का रस, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, 2 चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, मस्का बटर 1.5 चाय का चम्मच। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ऐसे बीट करेंगे कि बटर जो है अच्छी तरीके से बीट होकर उसके अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि बटर जमा हुआ था इसके अंदर। ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे 2 चाय का चम्मच मैदा और 2 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करेंगे इसके अंदर। इस तरीके से मिक्स करेंगे कि एक बहुत अच्छा पेस्ट जैसा पूरे चिकन के ऊपर कोट हो जाए। ये देखिए ये कोट हो गया। अब इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 10 मिनट में भी इसे बना सकते हैं। ये दो घंटे के लिए हमने मैरिनेट करने रख दिया। ये देखिए 2 घंटे कंप्लीट हो गए और ये मेरा चिकन जो है अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया। अब आपको दिखाऊंगी मैं कि इसके बटरफ्लाई कैसे बनाने। इसके बटरफ्लाई बनाने के लिए मुझे चाहिए आलू के स्लाइसेस, तो ये मैंने 2 mm के स्लाइसेस काट लिए हैं आलू के, और मुझे चाहिए टूथपिक्स, तो टूथपिक्स भी मैंने साथ में रख ली हैं। अब इन आलूओं के एक एक स्लाइस के बीच में एक एक पीस चिकन का रखूंगी और इसे टूथपिक से इस तरह पिन कर दूंगी कि आलू और चिकन सब एक साथ में पिन हो जाए। ये आलू ऐसे राउंड हो गया, फोल्ड हो गया और उसके बीच में ये चिकन आ गया। और अब मैं सारे पीसेस को इसी तरीके से आलू के बीच में रख के पिन करके इसके बटरफ्लाई बना लूँगी। ऐसे और बस इसी तरीके से सारे बनाकर कंप्लीट कर लें। इस तरीके से देखिए ये ऐसे शेप में दिखाई देगा। ये देखिए मैंने सारे बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये 250 ग्राम में इतने बने हैं, करीब 30-40 पीस बने हैं। अब इन्हें फ्राई करूँगी। फ्राई करना है इन्हें, डीप फ्राई करना है, तो मैंने नॉन स्टिक पैन में जेनरसली ऑयल डाल दिया है, करीब 1/2 लीटर से ज़्यादा ऑयल डाला है। और इस ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं इन्हें डालकर फ्राई कर लूँगी। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीस भर के डाल देने हैं, बस इस तरह डालें कि अच्छे से मूव होते रहें, बहुत कम पीस भी नहीं डालने हैं। उतने ऑयल में जितने पीसेस अच्छी तरीके से मूव हो सके उतने पीस डाल दें। और आंच को फास्ट ही रखना है, तेज़ आंच पर ही फ्राई करना है। उससे ये बहुत अच्छे से आलू भी गल जाते हैं, आलू के स्लाइसेस भी गल जाते हैं, चिकन भी गल जाता है और उसके ऊपर की कोटिंग जो है एकदम क्रिस्पी हो जाती है। तो इन्हें फ्राई करते टाइम आपको जितना ये कलर सबसे अच्छा लगता है इसका, इससे ज़्यादा डार्क ना करें। ये छोटे छोटे चिकन के पीसेस हैं तो वो बड़ी आसानी से पक जाते हैं जल्दी से, उन्हें पकाने का कोई इशू नहीं होता है। 2 घंटे तक उन्हें मैरिनेट किया गया है तो उससे वो सॉफ्ट हो गया है।
अब इन्हें ये कलर आने के बाद इन्हें ऐसे निकाल लेंगे। और सारे पीसेस को मैंने इसी तरीके से देखिए फ्राई कर लिया। ये बहुत टेस्टी सी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी रेसिपी बन के तैयार हुई है। इसे डिप्स के साथ में, म्यूनिस डिप्स के साथ में, टोमेटो केचप के साथ में, चाहे जिस डिप्स के साथ में, इमली की चटनी के साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं। ये इंडो चाइनीज डिश है और ये बहुत टेस्टी लगती है। जब भी चाहें स्नैक्स के लिए बनाएं और अफ्तार के लिए तो ये बहुत ही आइडियल है। कम वक्त में बन जाती है और इबादत के लिए आपके पास वक्त बचता है। तो जब भी बनाएं तो मेरे FB के पेज पर अपने फ़ोटोज़ क्लिक करके पोस्ट करें। और वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।